हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे एलएनटी की तरफ से ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाला गया है, जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर है तो आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे लार्ज स्केल में हायरिंग देखने को मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी 1890 के करीब ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये सारी वैकेंसी मेरे भाई आपकी परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि आप ऑन रोल के बेस पे काम करेंगे। जॉब सिक्योरिटी आपको 100% देखने को मिलेगी और सैलरी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और इसको यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ अप्लाई करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखेंगे तभी आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझ में आएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा है, अगर आपने कर रखा है यहाँ पे आईटीआई तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीबीटेक कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने कर रखा है यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन, जैसे कि आपने कर रखा है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारी वैकेंसी निकाली गई यहाँ पे परमानेंट, और आपका ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 43,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी देखने को मिल जाता है। और ये सैलरी रहेगा फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, और इसके अंदर भी आपके यहाँ पे टीएडी, एचआर, ये सब कुछ आपके अदर बेनिफिट्स ऐड होंगे यहाँ पे, तो आपको अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा। तो अप्लाई प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हम रख रहे हैं यहाँ पे वो आपका रहेगा 1000+। आपको लाइक करवा देने हैं, अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सभी लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप ये वीडियो अभी देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना कि आपने कर क्या रखा है और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूं। और आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट दूंगा जो आपने कमेंट करके मुझको बताया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले फिजिक्स वाला लेकर आया यहाँ पे फिजिक्स वाला स्किल, जो कि आपको अप स्किल करता है, आपके स्किल को इम्प्रूव करता है और आपको हाई सैलरी पैकेज में जॉब दिलाने में आपकी हेल्प करता है। यहाँ के सारे मेंटर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गूगल, अमेजोन, फेसबुक, लिंक्डइन, पेपल जैसी कंपनी में काम कर चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप फिजिक्स वाला लैब को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई नया कंप्यूटर या फिर लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास पुराना लैपटॉप है उसके अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपकी 90,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक की बचत हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाया जाता है विथ इंटर्नशिप के साथ। आपको यहाँ पे लाइव 1-to-1 डाउट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कैरियर असिस्टेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, 1-to-1 रिज्यूम सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, मॉक इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाते हैं, कैरियर गाइड आपको देखने को मिल जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको जॉब पोर्टल भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इनके द्वारा जो पहला कोर्स लॉन्च किया गया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिग्मा बैच लॉन्च किया गया, जिसका प्राइस रहेगा 3,500 रुपये। और अगर आप मेरा कूपन कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे NAU500, तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए है, और यहाँ पे हिंदी मीडियम का बैच भी अवेलेबल है जो कि सेम प्राइस रेट के अंदर रहेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे NAU500, तो आपको यहाँ पे भी 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बैच जो आपको देखने को मिलेगा डेटा साइंस मास्टर इम्पैक्ट बैच आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे रहेगा प्राइस इसका 3,500 रुपये। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे NAU500, तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा, और हिंदी मीडियम के अंदर भी आपका बैच अवेलेबल है सेम प्राइस रेट के साथ। यहाँ पे भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे NAU500, तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट बैच देखने को मिलेगा,
जावा विद डी एस एंड सिस्टम डिज़ाइन का बैच रहेगा, सेम प्राइस रेट के साथ 3,500 रुपये इसका प्राइस रहेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे NAO500 तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ये आपका बाइनरी बैच रहेगा इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए, और यहाँ पे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है। इसका भी प्राइस रहेगा 3,500 रुपये, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे NAO500 तो इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा NAO500, तो इससे आपको इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ, जिसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखा है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं डायरेक्टली L&T की ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ। तो आपको मिल जाता है यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे मैक्सिमम एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस। तो आपको क्या करना है, जो मिनिमम एक्सपीरियंस है उसके अंदर आपको 0 फिल करना है, और मैक्सिमम एक्सपीरियंस के अंदर आपको यहाँ पे 2 फिल करना है। मतलब कि 0 से लेकर 2 साल तक की एक्सपीरियंस की जितनी भी वैकेंसी है उसका रिजल्ट सारा का सारा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। और मैंने फिल्टर का यूज़ पहले से ही कर रखा है, तो आपके सामने रिजल्ट आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनी का पोजीशन है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 जून को वैकेंसी पोस्ट आउट किया गया है। तो ये सारी वैकेंसी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारी की सारी वैकेंसी यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का वैकेंसी है, बेसिकली नॉन टेक्निकल वालों के लिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हम बात करेंगे ओनली फॉर टेक्निकल वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी का वैकेंसी है और भी अदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो वन बाई वन हम सारी वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली वैकेंसी जो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, वो देखने को मिल जाती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर का वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। जॉब लोकेशन आपका रहेगा सूरत का, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, डिप्लोमा कर रखा है, एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक चीज मेंशन कर रखी है जिसको गौर करने लायक है, कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए डिप्लोमा। जैसे कि अगर आपने BBTech कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी ब्रांच यहाँ पे मैच होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल मांगा है तो आपने BBTech भी मैकेनिकल में किया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, नहीं, ओनली फॉर मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। BBTech कर रखा है मैकेनिकल से तो भी एलिजिबल है, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार अच्छे से देख लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बढ़िया होना चाहिए, नॉर्मल सी यहाँ पे चीज़ें मांगी है, ऊपर अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इसको अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा डिप्लोमा ट्रेनी का, जिसमें सूरत का लोकेशन रहेगा और यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल के अंदर, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर, ओनली फॉर यहाँ पे डिप्लोमा भी मेंशन किया है, मतलब कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, CSIT, प्रोडक्शन मेटलर्जी, केमिकल, कोई भी ब्रांच आपकी, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका रहेगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, और हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने BBTech भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो पोजीशन है वो आपका डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन है, अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना। BBTech और डिप्लोमा ऑल ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिल जाता है ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनी का पोजीशन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका सूरत का जॉब लोकेशन रहेगा, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, 8 जून को वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है, BSc कर रखा है, BA BCom कर रखा है तो भी इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा, और अप्लाई का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा फ्रंटलाइन सुपरवाइजर का वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर है तो एलिजिबल है। यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपने कर रखा है ITI किसी भी ट्रेड के अंदर, या फिर अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा किसी भी ब्रांच के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे फ्रंटलाइन सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए। यहाँ पे आपका सैलरी बढ़िया रहेगा, अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा सीनियर इंजीनियर का, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साल से एक साल तो नहीं होता, ये होता है आपका 0 से 1 साल का होता है, तो यहाँ पे भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपका रहेगा आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, तो यहाँ पे बात कीजिए कि अगर आपने BBTech कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे, ऑल ब्रांचेज एलिजिबल है, ऊपर अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे सीनियर इंजीनियर का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में निकाला गया, तो यहाँ पे इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है, या फिर अगर आपने किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रखा है पूरे 1 साल तक, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो उसको एज ए एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट करवा सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने बी बी टेक किया किसी भी ब्रांच के अंदर, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ट्रेनी डिप्लोमा का वैकेंसी देखने को मिल जाता है। सिरेमिक वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, और यहाँ पे अगर आपने देख पा रहे हैं कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ब्रांचेज एलिजिबल हैं, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने बी बी टेक भी किया यहाँ पे तो भी एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी एलिजिबल है, 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाता है, सीनियर ऑफिसर का वैकेंसी निकाला गया है, मुंबई का जॉब लोकेशन रहेगा, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, फ्रेशर एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका बीबी टेक कर रखा है या फिर एमएम टेक कर रखा है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेज यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी तो ऑल ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल रहेंगी, ऊपर अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है, ये आपका रहेगा ट्रेनी का पोजीशन रहेगा। बेसिकली वैकेंसी बीकॉम वालों के लिए निकाली गई है, और अगर आपने यहाँ पे बीबीए कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने सीए कर रखा है, सीएमए कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ किसी एक वैकेंसी के लिए। हम अप्लाई करने जाते हैं यहाँ पे डायरेक्टली डिप्लोमा इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए, तो आपको डायरेक्टली अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है, ओके यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपने कभी पहले अप्लाई कर रखा है तो ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, साइन इन कर लेंगे, और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दे रखा है रजिस्टर का, जो कि आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा। तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है, आप अपने मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और साइनअप कर सकते हैं। डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इनके कैरियर वाले पेज पे, वहाँ पे आपको वैकेंसी दिखेगा, और उन सारी वैकेंसी के लिए आप वन बाई वन अप्लाई कर लेना। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।